फाइनली अरमान ने अबीरा को बचा लिया है और अबीरा की एंट्री करवाने जा रहा है पुलदार मेंशन में, लेकिन रागिसा अबीरा की एंट्री रोक देती है। तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। आपको बता दें कि जैसा कि हमने कल के एपिसोड में देखा कि किस तरह से अबीरा ने पुलदार मेंशन में गेस्ट के सामने तमाशा किया, अबीरा ने पीने का नाटक कर सबको परेशान किया, जिससे सबको यही लगता है कि अबीरा ने ड्रिंक करके घर में ये सब तमाशा किया है और दादी से अबीरा को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। लेकिन वही एंड मूविंग पे अबीरा का जो सच है वो अरमान और रूही को पता चल जाता है और रूही और अरमान मिलके अबीरा को बचा लेते हैं। तो आपको बता दें कि अब जब अबीरा को अरमान ने बचा लिया है युवराज से और युवराज को गोली लगी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि युवराज की एग्जिट हो जाएगी शो से। तो वहीं दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि अबीरा की जो री एंट्री करवाने जा रहा है अरमान को डायमेंशन में, तो वो दादी सा रोक लेती है। दादी सा अरमान से कहेगी कि अरमान को दादी सा से ज्यादा इम्पोर्टेंट अब ये लड़की अबीरा हो गई है। तो जब अरमान सबके सामने अबीरा का सच रखेगा कि अबीरा ने विद्या को बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रही थी, तो वही माधव भी बताएगा कि किस तरह से वो अपने टीम के साथ गया था अबीरा और युवराज को पकड़ने के लिए, अबीरा को बचाने के लिए। तो इस पर अब सबका क्या रिएक्शन होगा। पर्सनली मुझे तो लग रहा है विद्या अबीरा को एक्सेप्ट कर लेगी, तो वही दादी सा जो वो आधी चॉकलेट है वो भी अबीरा को दे देगी। तो आपको जो भी लगता है कॉमेंट करे और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करे गपशप। तो